कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से। पिछले 15 दिनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी हरदीप पुरी जी के दरवाजे पर खड़ी है, चुनाव लड़ दो। कोई तैयार नहीं हो रहा। मजबूरी में उन्होंने बांसुरी स्वराज जी को कैंडिडेट बनाया। दिल्ली के लोग एक ही बात कह रहे हैं, अरे जब आपका केंद्रीय मंत्री 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो जिसके पास चुनाव का कोई अनुभव नहीं वो क्या करेगा। पूरे नई दिल्ली में एक ही चर्चा है, कस्तूरबा नगर से लेकर के मोती नगर तक, राजेंद्र नगर से लेकर के करोल बाग तक, चारों तरफ एक ही चर्चा है, सोमनाथ भारती एक ऐसा सांसद बनने के लिए मैदान में उतरा हुआ सिपाही है जिसने करके दिखाया है। मैं चैलेंज देता हूं किसी को भी, जाकर के एक बार मालवीय नगर में लोगों से पूछो, चाहे वहां की झुग्गियां हो चाहे वहां की कोठियां हो, अगर सबके लिए किसी ने 24 घंटे काम किया उसका नाम सोमनाथ भारती है। सोमनाथ भारती कैंडिडेट बनने की बात नहीं है, सोमनाथ भारती प्रचंड बहुमत से नए दिल्ली के सांसद बनने जा रहे हैं, इससे भाजपा घबराई हुई है। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई हमारे लिए काम की लड़ाई है जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है। अभी हमने सुना है कि कर्नाटका के अंदर 2000 अश्लील वीडियो बना करके घूमने वाला SIT के सामने आया। अब भाजपा वाले कह रहे हैं अब तो SIT के सामने आ गया। सवाल ये नहीं है, आज देश के लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, जो 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बना करके चुनाव लड़ता है उसका आप प्रचार करने जाते हो, और जो दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात काम करता है बिना सबूत के बिना FIR के, उस मुख्यमंत्री को आप तिहाड़ जेल में बंद कर देते हो। ये एक देश में दो तरह का आपका संविधान कैसे चल रहा। इसलिए लोगों को चिंता है कि भारत के अंदर अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जो टेलर दिख रहे हैं सूरत से लेकर के कर्नाटका तक, इंदौर से लेकर के उड़ीसा तक, ये टेलर जो दिख रहा है ये पूरी फिल्म बनेगी। इसलिए पूरा देश इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब दिल्ली की बारी है। हम सबको तैयार होना है, सबको मजबूती से खड़ा होना है और 25 तारीख को जेल का जवाब कोर्ट से देना है। हमें भरोसा है कि इस तरह से हम अलग अलग तरह से जो कैंपेन कर रहे हैं जनता के बीच में पहुंचेंगे, और अब कुल मिलाकर के 20 दिन बचे हैं, हमें दिन रात काम करना है और 25 तारीख को इस तानाशाही सरकार को फाड़ करके फेंकना है, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लेकर के आना है। इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।